जिक्र भी किया था, पहुंचाने वाला था। खड़गे जी ने उसका जिक्र भी किया था। मैं श्रवण गर्ग साहब के पास आना चाहूंगा। गर्ग साहब, मध्य प्रदेश के चुनाव में एकाएक सारा ध्यान बुंदेलखंड की तरफ क्यों चला गया? गर्ग साहब, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, लेकिन पांच राज्यों में सबका ध्यान एकाएक मध्य प्रदेश पे क्यों आके टिक गया है? और मध्य प्रदेश में भी एकाएक बुंदेलखंड क्यों एकदम केंद्र में आ गया? कभी नड्डा जी जाते हैं, कभी अमित शाह बुंदेलखंड के दौरे पर जाते हैं, कभी फिर आज खड़गे जी गए, तो बुंदेलखंड एकाएक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? और जो नारेबाजी हो रही है मध्य प्रदेश को लेके, जिस तरह के स्लोगन चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रचार भ्रष्टाचार अत्याचार चलता है, इन सब बातों में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी विशेष मौखिक संपात की टिप्पणी। नहीं, मैं बुंदेलखंड के बारे में बिल्कुल अल्प ज्ञानी हूँ, मेरे कोई नॉलेज नहीं है, सिवाय इसके कि मैं गया हूँ बुंदेलखंड में कुछ दो तीन चार बार। देखिए, ये बुंदेलखंड का मामला नहीं, बुंदेलखंड इसलिए पिक्चर में है कि वहाँ प्रधानमंत्री गए थे और 100 करोड़ रुपए का मंदिर बनवा रहे हैं वहाँ। आपने भी कहा 29 सीटें हैं और बीजेपी के पास 19 सीटें मिली थी उनको पिछली बार। ये बुंदेलखंड जो है वो मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड है, इसी से लगा हुआ उत्तर प्रदेश वाला बुंदेलखंड अलग है, वो भी बहुत अलग है। और दोनों बुंदेलखंड जो है आप पाएंगे कि विकास के लिहाज से बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है दोनों बुंदेलखंड में। खैर, मैं उसकी बात नहीं, ये जो चुनाव है ये अभी तो चर्चा में इसलिए कि प्रधानमंत्री गए थे वहाँ, इसलिए चर्चा में है कि 29 सीटें हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश इस समय चर्चा में है और मध्य प्रदेश में ये मान के चल रहे हैं बीजेपी कि उनको ये जीतना ज़रूरी है मध्य प्रदेश को। आपने भी जैसे कहा है कि अमित शाह जी ने क्या कहा कि ये क्यों जीतना जरूरी है, अगर नहीं जीते तो फिर 50 साल वाली बात उन्होंने कही। मध्य प्रदेश में अगर नहीं जीती भाजपा तो उसके बहुत बड़े परिणाम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर होंगे और इस समय डबल एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में है, एक तो मोदी जी के खिलाफ भी है और एक शिवराज सिंह के खिलाफ भी है। 18 साल हो गए इनको, 19 साल हो गए शिवराज जी को। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को गौर करना चाहिए कि पिछली बार भी 2018 में भी शिवराज जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और उस समय बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी 109 सीटें मिल गई थी, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, 114 कांग्रेस को और 109 बीजेपी को। इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस को 150 सीटें मिलेंगी और अमित शाह जी ने भी कहा है कि 150 सीटें बीजेपी को मिलेंगी या बीजेपी लाएगी 150 सीटें। अब आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया है मध्य प्रदेश पिछली बार में और इस बार में, जो बड़ा फर्क है और जो बुंदेलखंड में फर्क आएगा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो ये आएगा सिंधिया फैक्टर के कारण, क्योंकि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं ये उनके प्रभाव क्षेत्र से का इलाका है, मतलब बहुत उनके काफ़ी लोग बुंदेलखंड में भी हैं और उनका जो ग्वालियर चंबल इलाके से लगा हुआ इलाका है बुंदेलखंड का, उसमें भी उनका प्रभाव है। पिछली बार सिंधिया कांग्रेस में थे 2018 में, तो बीजेपी को मान लीजिए कि 10 सीटें कम मिली होंगी। इस बार बीजेपी को के सामने दिक्कत यह है कि एक एक सीट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप ट्राइबल एरियाज में अगर आप जाएं तो पिछली बार बीजेपी को विंध्य में
काफी सीटें मिली थी, उन्होंने काफी बड़े बड़े लोगों को हरा दिया था, जैसे अजय सिंह हैं, राजेंद्र शुक्ल हैं, तमाम लोग हैं, पर मंडला, शहडोल, बालाघाट का ये इलाका जो था ट्राइबल एरिया, इसमें कांग्रेस ने काफी गेन किया था। इस बार तो विंध्य भी चला जा रहा है बीजेपी के हाथ से, तो बचा क्या? मतलब जो पूरा जोर लगाने को आप जो कह रहे हैं बुंदेलखंड को लेकर, तो बीजेपी को कहाँ जोर लगाना चाहिए वो पूरा का पूरा आप फोकस करेंगे तो मालवा निमाड़, बुंदेलखंड और चंबल ग्वालियर संभाग, ये जो इलाके हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं बीजेपी के लिहाज से। आप पाएंगे कि इन तीन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी काफी जोर लगाकर काम कर रही है, और आपने पढ़ा होगा अभी कि किस तरह से 230 जो लीडर्स हैं गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार के, वो मध्य प्रदेश की 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको भेजा गया और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाया गया है। मतलब सबसे ज्यादा 48 लोग गुजरात से आए हैं, और उन लोगों को जो मध्य प्रदेश का इलाका है गुजरात से लगा हुआ, वहां लगाया हुआ है। आप पाएंगे कि उसी प्रकार बुंदेलखंड में कुछ इस तरह के लोगों को लगाया जाएगा जो वहां से वहां की पॉपुलेशन के साथ या वहां के वोटर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके। ये जो चुनाव है प्रकाश जी, आपने देखा कि अभी 39 सीटें इन्होंने घोषित कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, ये जो हारी हुई सीटें थी उसमें से 39 सीटें हैं, और इसमें भी 13 सीटें शेड्यूल ट्राइब की हैं और 8 शेड्यूल कास्ट की हैं, 21 सीटें तो ये है। तो पूरा फोकस क्या है? पूरा फोकस ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस, ये पूरा का पूरा इलाका, ये जो पूरा है, और बीजेपी मान के चल रही है कि जो अर्बन इलाका है वो बीजेपी के पास ऑलरेडी है। इस पूरी जो कवायद है उसमें आपको या हमको एक चीज जो अध्ययन करने काबिल है हुई है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, कैलकुलेट तरीके से काम कर रही है। अब ये जो आपने अगर आज सुना हो कि जो खड़गे जी ने कहा सागर में, उन्होंने कहा कि उन्होंने दो चीजें कही, एक तो ये कहा कि आप इतने सालों से 18 साल से सत्ता में हैं, 19 साल सत्ता में हैं, या मोदी जी भी 9 साल से हैं, तो ये मंदिर पहली बार क्यों आपके दिमाग में आया? और दूसरा उन्होंने कहा कि हम अगर आ गए सत्ता में तो यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपने कहा ना कि ये 100 करोड़ रुपए से यूनिवर्सिटी को दे देते या शिक्षा में लगा, तो उन्होंने कहा हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, खड़के जी ने कहा। ये मामला 100 करोड़ के मंदिर का नहीं है, ये मामला ये है कि मंदिर इस समय इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा पूरी राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी के मंदिर केंद्रित है, तो वो चाहे अयोध्या में मंदिर हो या मथुरा में मंदिर हो या सागर में मंदिर हो, उस वो बनेगा तो नहीं अभी, मतलब 5 महीने में तो बन नहीं सकता, उसके बनने का पीरियड भी 18 महीने के करीब बताया गया है, तो वो लोकसभा में भी नहीं बन सकता। आप एक चीज ये ध्यान के रखिए, मंदिर हो सकता बने ही नहीं, ये भी आप मान के चलिए कि अगर सरकार बन गई तो बात अलग है, पर नहीं बनी तो मंदिर सब लोग भूल जाएंगे। ये चुनाव को आप देखिए कि ये बुंदेलखंड का इलाका हो, अब अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कई इलाकों में गए, आपने देखा होगा कि ट्राइबल एरियाज में भी गए, तो वो तो पूरे मध्य प्रदेश में घूमने वाले हैं, क्योंकि ये मामला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 40 सीटों का है, और 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। गुजरात की भी 26 जोड़ लीजिए, राजस्थान की भी 25 जोड़ लीजिए, तो 91 सीटें। अब आप बताइए कि कर्नाटक की हार के बाद
और बिहार में जो चेंज हो गया है पूरा का पूरा गणित, बंगाल में जो चेंज हो गया, उसके बाद आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हेडक्वार्टर बना लें अमित शाह भोपाल को अपना, तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए प्रकाश जी बहुत काम बढ़ने वाला है मध्य प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश के एक्सपर्ट हो गए हैं आजकल, तो ये जो चुनाव है आपके लिए और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बेशक। तो राजस्थान, आपने बताया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब चीजें रखी जा रही है, तो राजस्थान में इतने दौरे नहीं लग रहे हैं, वहां भी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, मध्य प्रदेश में भी नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव की घोषणा नहीं हुआ, सारा ध्यान केवल मध्य प्रदेश, तो ऐसा क्या शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पीछे है, या उन्हें लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अंगूर खट्टे हैं, क्या ऐसा लगता है? जीतने की संभावना प्रकाश जी केवल मध्य प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी के, जो आज भी कुछ सर्वे आए हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें दो सर्वे आज आए हैं अभी देखे मैंने, तो उसमें कांग्रेस को जीतते हुए बताया गया है। राजस्थान में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, मतलब आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 60 सीटों पर इन्होंने घोषणा कर दी, 39 मध्य प्रदेश की और 21 छत्तीसगढ़ की, पर राजस्थान में अभी कुछ नहीं किया है इन्होंने, क्योंकि राजस्थान में बहुत स्थिति बीजेपी की बहुत खराब है, वहाँ वसुंधरा राजे का जो फैक्टर है उसका जब तक निपटारा नहीं होता है कि कौन लीड करेगा वहाँ चुनाव को, वहाँ दो समितियाँ बन गई ऑलरेडी, दोनों में वसुंधरा राजे को नहीं रखा गया, एक तीसरी बननी है चुनाव अभियान समिति, वो उसकी घोषणा अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस समय, मतलब मैं अभी 2 महीने बाद की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है, और छत्तीसगढ़ में जोर लगा रही काफी, जो वहां सीटों की घोषणा हुई है 21 सीटों की, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो उन्होंने 39 लोग अनाउंस किए हैं वो सब हारे हुए लोग हैं, और वहां जिन लोगों को किया है वो सब जीतने वाले लोग हैं, सीटें हारी हुई हैं पर लोग जीतने वाले हैं, तो 90 सीटों में 21 सीटों का बहुत बड़ा महत्व होता है, 39 सीटों का 230 सीटों में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए आप पाएंगे कि ये जो सीटें हैं इसमें हमारे तोमर साहब के समधी भी हैं, तोमर साहब को तो ये हमारे राकेश जी बहुत अच्छे से जानते भी हैं, और तोमर साहब के बारे में तो लिख भी चुके हैं, का बड़ा आर्टिकल लिखा है इन्होंने अभी एक मुन्ना करके उनकी तारीफ में तोमर साहब की, तो उनके 3 लोगों को टिकट दिए हैं उनके परिवार के, तो ये जो पूरा का पूरा गणित है मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का और राजस्थान, तीनों अलग अलग है, तीनों को एक साथ मत देखिए आप, बीजेपी के लिहाज से तीनों अलग हैं और कांग्रेस के लिहाज से तीनों एक हैं, मतलब ऐसा मान के चलिए, क्योंकि बीजेपी की हालत तीनों जगह बहुत खराब है, वहां नंद कुमार साय ने छोड़ दिया छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी काफी लोग छोड़ रहे हैं, राजस्थान में भी काफी स्थिति खराब है, तो इसलिए बीजेपी की कुल मिलाकर स्थिति ठीक नहीं है अभी, प्रधानमंत्री अगर कुछ चमत्कार में सक्रिय है, जनता उसको नेगलेक्ट नहीं करती है, जैसे शैलेंद्र जैन का उदाहरण ले, शैलेंद्र जैन का एक चीज को लेके विरोध है कि इन्होंने तालाब खत्म करवा दिया, सीएम राइज स्कूल एमएलबी पे ही बन रहा था, उसका विरोध हुआ, फिर उन्होंने सीएम से बात की, लेकिन लोग अभी भी ये कहते हैं कि नहीं वोट तो शैलेंद्र जैन को देंगे, क्यों? क्योंकि वो साल भर गली गली घूमते हैं, सबके सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। अब एक गुटबाजी की बात मैं करती हूँ, पहले ये गुटबाजी बीजेपी की इतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जब गोविंद राजपूत को मंत्री बनाया गया तो फिर एक तो ठाकुरवाद सामने निकल के आया, फिर एक ब्राह्मणवाद अलग से निकल के सामने आया,
और इसमें हुआ क्या कि जो भाजपा का जो खुद का अच्छा कार्यकर्ता था वो नाराज हो गया क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा उदाहरण है राजकुमार धनोरा, जिसने गोविंद राजपूत के ऊपर आरोप लगाए थे और फिर बाद में वो कांग्रेस में जाके शामिल हो गए। तो गोविंद राजपूत इस बार संकट में पड़ सकते हैं अगर राजकुमार धनोरा। आपको काफी भीतर तक की जानकारी है पार्टी जी की और नेताओं की, बहुत अच्छी बात है। गर्ग साहब, आपके पास दोबारा आना चाहता हूँ। इस विधानसभा के चुनाव में क्या राष्ट्रीय मुद्दे काम करेंगे? संविधान को बदलने की जो बात हो रही है, क्या वो काम करेगी? ये आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती। खड़गे जी ने ये बात कही, खास तौर पे क्योंकि सागर में सीटें जो अजा अजदा की सीटें खास केंद्र में रखकर बातें की गई, खड़गे साहब का आना भी शायद इसीलिए महत्वपूर्ण है। क्या ये राष्ट्रीय मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करेंगे सरकार की नीतियों को? देखिए, मैं एक चीज बुंदेलखंड के बारे में थोड़ा जोड़ देता हूँ। आपका पूरा फोकस बुंदेलखंड था इसलिए थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ। बुंदेलखंड के जो इलाके हैं, जैसे दतिया है, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और पन्ना, ये इलाके हैं मोटे तौर पर जो इलाके मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के आपस में जो झगड़े हैं, जूतम पेजार, जैसे अभी गोपाल भार्गव मीटिंग में गए वहां भोपाल में, तो पुलिस वाले ने रोक दिया उनको अंदर जाने से। अखबार में जो छपा है, तो वो वापस जाने लगे नाराज होके। तो उन्होंने फोन किया तो फिर उनको कोई लेने आया और बुलाया। इतने ज्यादा संघर्ष चल रहे हैं वहां। और वो दतिया में तो हमारे यही है, नरोत्तम मिश्र ही है, आप जानते हैं कि वहां क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय कई घरों में और कई टुकड़ों में बटी हुई है। तो इसलिए अगर ये बुंदेलखंड से शुरू कर रहे हैं तो कुछ मैसेज देना चाहते होंगे पार्टी के वर्कर्स को भी और नेताओं को भी, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इसी इलाके में भारतीय जनता पार्टी के, और इनका, शिवराज सिंह का कोई नियंत्रण नहीं है इन लोगों पर। आपने जो सवाल किया राष्ट्रीय मुद्दों का, मध्य प्रदेश में देखिए राष्ट्रीय मुद्दों का एक टोटलिटी में क्या इम्पैक्ट है। टोटलिटी में इम्पैक्ट ये है कि लोग शिवराज सिंह से दुखी हो गए सरकार से, और मोदी जी की सरकार का कोई उनको आकर्षण नहीं बचा है किसी भी तरह का। तो पहले जो डबल इंजन था वो अब डबल एंटी इनकम्बेंसी में बदल गया है। मतलब पहले ये था, आप देखिए 2018 में क्या हुआ, शिवराज सिंह जी हार गए। हालांकि बहुत बुरी हार नहीं हुई, कर्नाटक की तरह नहीं हुई, 109 सीटें मिली, कोई बहुत बुरी हार नहीं कहेंगे। 114 कांग्रेस को मिली, उसको भी बहुमत नहीं मिला। पर आपने क्या देखा, मतलब 3 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तब क्या देखा, 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली लोकसभा की। 2018 के दिसंबर के रिजल्ट और 2018 के 19 के मई के रिजल्ट। इस बार क्या हो गया है प्रकाश जी, कि शिवराज सिंह भी हार रहे हैं और मोदी जी भी हार रहे हैं। तो अभी आप पाएंगे कि जो मध्य प्रदेश में जो चुनावी तैयारी चल रही है वो ये चल रही है कि तैयारी, आपको लग रहा है कि विधानसभा लड़ रही है भाजपा, पर तैयारी लोकसभा की कर रही है। मतलब आपको अगर संक्षेप में एक लाइन में चीजों को समझना हो तो वो, इसलिए आप, मुझे ऐसा लगता है, मैं एक गलत भी हो सकता हूँ, एक बड़ी संख्या में लोकसभा के सांसदों को मध्य प्रदेश से विधानसभा लड़वाई जाए। पूरे के पूरे 28 तो नहीं, पर काफी लोगों को लड़वा सकते हैं, जो कि बहुत क्रूशियल है। क्योंकि एक लोकसभा का सांसद जब चुनाव लड़ता है तब आप उसके इलाके की कितनी विधानसभाएं कैटर करता है वो आप देखिए, और वो उससे तय होगा कि
कि वो अगर विधानसभा नहीं जितवा पा रहा है, उन विधानसभाओं में बीजेपी के वोट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो लोकसभा के लिए भी काम का नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी के लिए अभी शिवराज सिंह इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रधानमंत्री जी के लिए अभी नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये जो विधानसभा का चुनाव है मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का, ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये मुख्य अतिथि के आने के पहले जो एक रिहर्सल होती है ना, वो वाली रिहर्सल है कि लगता ऐसा ही है कि मुख्यमंत्री जी आ गए, पर इसलिए ये पूरा का पूरा वही चल रहा है। और इसमें आप पाएंगे, कहना चाहता हूँ मैं आपको एक बात में टोकना चाहता हूँ यहाँ। ये प्रयोग बंगाल में किया गया, केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, और वो केंद्रीय मंत्री जो गायक है, प्रख्यात गायक है, वो चुनाव हार गए बेचारे। तो उनका केंद्रीय वो लोकसभा से तो गई, मंत्री पद भी गया और विधानसभा में भी नहीं जा पाए। तो ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। नहीं नहीं देखिए, आप बंगाल से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की तुलना मत करिए। ये जो इलाके हैं ये कांग्रेस बीजेपी के इलाके हैं, कोर इलाके हैं, और बंगाल में ये बाइपोलर इलाके हैं। बाइपोलर मतलब केवल यहाँ कांग्रेस और बीजेपी है, बंगाल जैसी स्थिति नहीं है। वहाँ बंगाल में तो CPM भी थी, मुस्लिम भी थे, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी। ये पूरा का पूरा बीजेपी का इलाका है ट्रेडिशनली, और कांग्रेस का इलाका। यहाँ मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने देश के बड़े बड़े नेता दिए हैं, बीजेपी और कांग्रेस ने। तो इसलिए अगर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री दिए हैं, तो मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को बड़े बड़े नेता दिए हैं। तो इसलिए दोनों का आप अगर इतिहास देखें तो अलग है। मध्य प्रदेश जीतना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कर्नाटक की हार, हिमाचल की हार, पंजाब की हार, बंगाल की हार, अगर ये भी हार गए मध्य प्रदेश भी, तो बहुत बड़ी हार मानी जाएगी बीजेपी के लिए। और इसलिए अभी तो हम देख ही रहे हैं, बस आप देखिएगा आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा तरीके से मध्य प्रदेश में काफ़ी ताकत लगाने वाली है, और ये चुनाव बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण बनने वाला है। बंगाल से कोई तुलना नहीं है, देखिए